ड्रामा सीरियल सुन मेरे तेरे बहुत ही अच्छा बन चुका है। आने वाला एपिसोड भी हम ये भी देखने जा रहे हैं कि जावियर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो अपने आप ही सदब से कहता है कि बस आपको बिलाल अब्दुल्ला से ही शादी करनी चाहिए। ये बात सुनकर सदब बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। सदब कहती है कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि अम्मी ऐसा नहीं चाहती, मैं अम्मी को कोई भी ऐसा दुख नहीं देना चाहती। ये बात सुनकर जावियर कहते हैं कि मैं अम्मी से बात करूंगा, अम्मी मेरी बात को जरूर सुनेगी। ये बात सुनकर सदब बहुत ही ज्यादा गुस्से में जावियर भाई से कहती है कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप इस मौजू पर बात ना करो तो अच्छा है। जावियर कहते हैं कि मैं इस मौजू जरूर बात करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम परेशान रहो। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा अब तो सदा परेशान होती है। सदफ कहती है कि मेरी किस्मत में बिलाल अब्दुल्ला कहाँ, अम्मी फैसला कर चुकी है कि वो मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ अमार से ही करवाएगी। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा जावियर तो परेशान होता है। जावियर कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होने वाला, थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं आपको कभी भी इस तरह परेशान नहीं देख सकता। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सदा परेशान होती है। सदफ कहती है कि भाई इस तरह जिद मत करें, आप जो कुछ भी करें गलत करें, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, आपको इस तरह बिना वजह जिद नहीं करनी चाहिए। अम्मी आपकी बात कभी भी नहीं मानेगी, आपकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक जाएगा क्योंकि मैं आपको कभी भी परेशान नहीं देख सकती। ये बात सुनकर जावियर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। जावियर कहते हैं कि बस मैं फैसला कर चुका हूँ, जो फैसला मैं कर चुका हूँ अम्मी भी वही फैसला करेगी, बस मैं तुम्हारी शादी बहुत जल्द बिलाल अब्दुल्ला से ही करवाऊंगा, बिलाल अब्दुल्ला आपसे बेहतर मोहब्बत करता है। ये बात सुनकर सदा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। सदा कहती है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता भाई, आप जो कुछ भी करें गलत करें, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, आपको दूसरों की जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाबा तो छोड़कर चला गया, मैं नहीं चाहती कि अम्मी भी हमें छोड़कर चली जाए।